तकरीबन 62 to 64 किलो। वो सुबह जब उठती हैं तो फिर वो पहले 10 मिनट बैठ के अपने घुटने मलती हैं और फिर डर डर के चलती हैं, कहती हैं नहीं 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 मैं सीधा नहीं चल सकती, टांग टूट जाएगी ऐसे पकड़ पकड़ के यूं यूं करके चलती हैं। जो उनकी बात ये मुझे तो कहानी हर दूसरे घर की कहानी लग रही है, मेरे ख्याल हर घर की कहानी, घर कहानी घर घर की बिल्कुल ऐसे लग रहा है। जैसे बता रही लग ही रहा है कि इनके घुटनों में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो रहा है, जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया था कि जोड़ों का जो कार्टिलेज होता है जॉइंट के अंदर वो इनका डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से जो दोनों हड्डियाँ होती हैं वापस में टकराना शुरू हो जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा इसकी अब बात करें कि अब किया क्या जा सकता है इस प्रॉब्लम के लिए, देखिए सबसे पहले तो चीज़ें आ जाती हैं जो हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जिसमें हमने बात की कि वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह आप रेगुलर करें, डाइट अपनी अच्छी करें। लेकिन वो तो डरती हैं, तो चलने से डरती हैं तो एक्सरसाइज क्या करेंगे? एग्जैक्टली, ये बहुत कॉमन एक क्लिनिकल चीज़ आ रही है जो हम पेशेंट्स में देख रहे होते हैं कि पेशेंट को पेन होती है, वो बैठे रहते हैं, वेट बढ़ता है और फिर वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। मेरा काम एज अ रूमेटोलॉजिस्ट ये है कि साइकिल को ब्रेक किया जाए। कैसे किया जाए? इसमें जहाँ तक पेशेंट्स को मैं हेल्प दे सकती हूँ उसमें मेडिसिंस हैं, फिजियोथेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो पट्ठे सुकड़ रहे हैं, जो पट्ठे दर्द कर रहे हैं मसल्स आपके, उनकी हम स्ट्रेचिंग करें और स्ट्रेंथनिंग करें। इसके बाद आ जाती और मेडिकल ऑप्शंस एक स्टेप में अगर आगे जाऊँ तो फिर डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो हम घुटने के अंदर लगाते हैं। मैं आम जबान पेशेंट्स को एक्सप्लेन ये करती हूँ कि समझे मैं आपके घुटने में तेल डालने लगी हूँ और आपको थोड़ा इसको चालू करूँगी, देन आपने करना ही है कि इसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है ताकि ये अपनी जगह पर वापस आ सकें। जहाँ मैंने इंजेक्शन की बात की, बहुत से नए किस्मों के इंजेक्शन अवेलेबल हैं, स्टेरॉइड के तो सुनते आए थे, अब नए जेल इंजेक्शन आ गए हैं, PRP जिसका हमने जिक्र सुना होगा आपने कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसके भी इंजेक्शन अवेलेबल हैं जो हम जॉइंट्स के अंदर लगा सकते हैं, जिसमें पेशेंट का अपना ही खून लेके उसमें से उसके वाइट खलिए जो होते हैं वो सेपरेट करके जॉइंट्स के अंदर लगा सकते हैं, जो कि डैमेज कार्टिलेज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और अगर खुदा न खास्ता एक ऐसी स्टेज आ चुकी है जिसे हम कहते हैं कि स्टेज 4 है, कि बिल्कुल ही कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल हड्डी के साथ हड्डी टकरा रही है, घुटना टेढ़ा हो चुका है, बिल्कुल उसकी मूवमेंट मुतासर हो रही है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो रही है, जो कि इस केस में बिल्कुल हमें इरम की वालिदा के केस में लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी मुतासर है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर वेट नहीं करना चाहिए, फिर आप ज़रूर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मशवरा करें और नी रिप्लेसमेंट के बारे में उनसे पता करें। ओके, और क्या अब डाइट से भी कुछ इस तरह की चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं? क्या खाएं क्या ना खाएं, मतलब गाजरें खाएं तो मूली ना खाएं, तो कद्दू खाएं और मटर ना खाएं, इस तरह के कोई नुस्खे हैं या नहीं? बिल्कुल है नुस्खे। अभी ये जो कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, जो कि वेयर एंड टीयर या घिस जाने वाला आर्थराइटिस है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है ना वो अपना रखें, बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट, क्योंकि शुगर और बहुत ज़्यादा सॉल्ट ये जब इस्तेमाल आप करते हैं तो ये भी आपकी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली चीज़ें जो हमारी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जो हमारी डाइट है exactly. उसको अवॉइड करें। ये मौरूसी होता है? बिल्कुल, जेनेटिक फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जो कि अभी मैं बात करी थी कि वर्म वाला आर्थराइटिस है, जैसे मैंने कहा कि फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में देखा जा रहा है और ये फैमिलीज में रन करता है कि अगर मदर को है तो डॉटर को होने का जो है वो चांस 50% होगा, फिर आगे फर्दर ऑन जो है वो होगा। मेरे पास ऐसे केसेस भी आ रहे होते हैं जैसे मदर डायग्नोज होती हैं और थोड़े कुछ अरसे के बाद डॉटर को भी प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर वो भी डायग्नोज हो जाती हैं। तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स बिल्कुल हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स